हेलो एंड जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी लोगों ने। मतलब सुबह अनाउंसमेंट आया था कि अक्षय कुमार ने एक और मूवी जो है वो साइन कर ली है, गोरखा, जिसका टाइटल होने वाला है, जिस पर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया था। अब होता क्या है कि जैसे वही अनाउंसमेंट होता है कि चलिए खबर आ गई, हाँ ये वाली मूवी साइन कर ले, ये कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अक्षय कुमार मतलब क्या खा के पैदा हुआ था, किस मिट्टी का बना ये इंसान है। मतलब ये एक दिन में दो दो फिल्मों की शूटिंग करता है, तीन तीन चार चार शिफ्टों में काम कर रहा है, उसके दौरान भी ऐसी जो आने वाली मूवी हैं, जो मतलब एक या दो साल बाद आने वाली हैं, उनके पोस्टर के लिए फ़ोटोशूट कराने का भी टाइम मिल जाता है। मुझे कहीं ना कहीं एक हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे क्रिकेट में एमएस धोनी है, मुझे बॉलीवुड का एमएस धोनी लगते हैं अक्षय कुमार साहब। मतलब आप एक कदम आगे की सोचता है, जैसे धोनी एक कदम आगे की सोच के चलता है, ऐसी अक्षय कुमार एक कदम आगे की सोच के चलते हैं। मतलब सबको पता था कि दशहरा है, आज अनाउंसमेंट होना ही होना है, पिछले काफ़ी टाइम से मूवी नहीं आ रही है, और जो बनी हुई रेडी मूवी थी उनकी अनाउंसमेंट अलग से हो गई है, लेकिन अब जो अनाउंसमेंट हो रही है वो आगे बनने वाली मूवीज़ की हो रही है। तो आज बहुत से लोग अनाउंसमेंट करेंगे, और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट है। यहाँ से तड़म का शूट स्टार्ट हो चुका है, जो कि साउथ की हिंदी रीमेक होने वाली है, आदित्य रॉय कपूर जिसमें है, उसकी भी फोटोज़ वगैरह निकल के आई, उसका भी आज शूट स्टार्ट हो चुका है। और विक्रम बेदा का भी आज शूट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान हमें देखने को मिलेंगे। हिंदी रीमेक जो बनने जा रही है उसका भी शूट स्टार्ट हो चुका है, और भी कई सारी मूवीज़ की अनाउंसमेंट आई हैं, साउथ को लेकर, बंगाली मूवी को लेकर, कन्नड़ा मूवी को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट आई हैं आज भी, और काफ़ी सारे शूट्स आज से स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि दशहरे से पावन पर्व और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब दिवाली आएगी तो दिवाली तो सब लोग घर पर ही मनाते हैं, तो उस दिन से तो कोई शूट स्टार्ट होगा नहीं। तो आज से फाइनली जो है वो काफ़ी सारे शूट स्टार्ट हो गए हैं, और आज ही अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गई थी। और हमने सुबह आपको बताया था कि खबर निकल के आई है कि अक्षय कुमार गोरखा रेजिमेंट के ऊपर जो एक मूवी बनने वाली है वो वाली मूवी वो करने वाले हैं, जिसमें हमने आप वो वीडियो देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा मैंने बताया कि वो किसके ऊपर मूवी बनेगी, कैसे बनेगी और कब बनेगी, कब आएगी, वो सारा कुछ मैंने उस पर बताया है। जो हमारे एक इंडियन आर्मी के पहले आप जो डिसेबल ऑफिसर थे, कार्डोजो जिनको बोला जाता है, और जिनका जिनको हिंदी में लोग कारतू साहब के नाम से जानते हैं, बहुत ही इनकी प्रेरणादायी कहानी है, पूरा मैंने उस वीडियो में आपको व्याख्यान किया है। उनके ऊपर ये मूवी बनने वाली है, उसका पोस्टर एक रिलीज किया है अभी थोड़ी देर पहले। मैं बाहर था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, तो फिर मैंने उसको पूरा देखा और फिर मैंने पढ़ा, संजय चौहान उसको डायरेक्ट करने वाले हैं, जो नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं वो उसको डायरेक्ट करेंगे, साथ ही साथ राइटर भी वही हैं, उसके साथ ही साथ नीरज यादव हैं वो भी उसके डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आनंद एल राय। मतलब मुझे समझ में नहीं आता आनंद एल राय को इतना कितने पसंद आ गए हैं अक्षय कुमार। मतलब एक के बाद एक अतरंगी रे निपटाई, रक्षाबंधन में लग गया, अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन का शूट खत्म हुआ, गोरखा की अनाउंसमेंट कर दी, और पता नहीं अभी और कितनी अनाउंसमेंट आएंगी। तो पहला पोस्टर निकल के आया अक्षय कुमार का, जो कि आपने देख ही लिया होगा, उसमें मतलब एक वो ही सिपाही के किरदार में दिख रहे हैं, मूंछें बिल्कुल इटी हुई उनकी, जिस तरह से राउडी राठौर में इटी हुई मूंछें थी, उस तरह के खूंखार लग रहे हैं, खुकरी लिए हुए हैं हाथ में, तो बस वो एक पहला लुक निकल के आया, और बहुत ज़बरदस्त वो लुक लग रहा है। अब देखते हैं कब आती है, डेट कोई अभी अनाउंस नहीं की गई है, ऊपर कुछ लिखा तो है ऐसा कि आपको स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिल सकती है, लेकिन अब 2022 में दिखेगी या 2023 में दिखेगी, क्योंकि अगर एक लिहाज से देखा जाए तो 2022 पूरा ही फिक्स है अक्षय कुमार के लिए, तो 2023 आप इस मूवी को मान के चलिए 2023 में हमें ये देखने को मिलेगी। जैसे भी कोई अपडेट आती है उसकी हम आपको तुरंत यहाँ पर न्यूज़ देंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और बने रहें फिल्मी टॉक के साथ। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी